क्या हार में क्या जीत में जब आग लगी हो सीने में तो बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग हमारे जीवन के अंदर परेशान नहीं होना चाहिए। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू जिंदा है, जिंदगी के नाक में दम कर दे। आइए दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, डाक विभाग GDS भर्ती 2022 से संबंधित मैं आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूं कि और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना चुका हूं कि दो राज्यों की सेकंड लिस्ट जारी हो चुकी है जिसके अंदर आसाम और उत्तराखंड की। अब मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, सेकंड मेरी लिस्ट ऑल स्टेट की, यानी कि आप लोग जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो, आप लोग OBC कैटेगरी के अंदर आते हो, आप SC कैटेगरी के अंदर आते हो, आप EWS कैटेगरी के अंदर आते हो, आप PWD कैटेगरी के अंदर आओ, तो आप लोग जो भी आप लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हो ना, तो कृपया इस वीडियो को आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और ये वीडियो को आप लोगों को पूरा का पूरा वॉच करना है ताकि आप लोगों को मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करा सकूं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है और आपकी परसेंटेज क्या है और उसके अंदर आप लोगों को मिला लेना है कि मेरी परसेंटेज इतनी है तो सेकंड मेरी लिस्ट में कितने बच्चों के पास करने के बाद में मेरे नंबर आने की ज़्यादा चांस रहेंगे, ये सब कुछ देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑफिशियल साइट पर जाते हैं। पहले ये देखते हैं कि ऑफिशियल साइट जाने के बाद में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखो ये नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे एक बार दिख रहा होगा। नोटिफिकेशन के अंदर जाने के बाद में आप लोगों को जल्दी से यहाँ पे सरकम वाइज पोस्ट नोटिफाइड है इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ये क्लिक करोगे आप लोग ये आप लोगों के डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड होने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे जो नोटिस दिखाई देगा ना, ये नोटिस आप लोगों को क्या बताएगा, आपके राज्य के अंदर कितनी वैकेंसी है, OBC की कितनी है, EWS की कितनी है, SC की कितनी है, ST की कितनी है, PWA, B और C और DE की कितनी वैकेंसी है और आपके राज्य में चारों कैटेगरी को मिला के कितनी टोटल वैकेंसी है, ये वाला नोटिस बताएगा। हम इस नोटिस को इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कट ऑफ जानना है और कट ऑफ आप लोगों के वैकेंसी के ऊपर भी निर्भर करती है कहीं ना कहीं, साथ ही आप लोगों के नंबर और मार्क्स के ऊपर तो है ही। आप लोगों के नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होती है तो कट ऑफ जिसकी कट ऑफ कम भी होती है ना उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि आप लोगों के यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाहूँगा, आप लोग देखो ये जो आप लोग ये सर्कल देख रहे हो ना, ये वो वाले सर्कल है जहाँ से वैकेंसी निकली है, टोटल है 35। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे जितने भी ये सर्कल है ना, ये आप लोगों को भाषाई लैंग्वेज के आधार पर यहाँ पे वैकेंसी शो की गई है। जैसे कि यहाँ पे आसाम, चार बार आसाम है तो इनकी किसके आधार पर, भाषा के आधार पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। एक आसाम तो है जहाँ पे हिंदी इंग्लिश, दूसरा है बोंडो लैंग्वेज बोली जाती है, असमिया, ये इस तरह की लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। जैसे ही आप लोग इनके सामने देखोगे ना तो यहाँ पे आप लोगों के सामने टोटल वैकेंसी है और ये टोटल वैकेंसी जो असम की, आप चारों असम को जोड़ोगे ना भाषा के आधार पर, तो आप लोगों की टोटल वैकेंसी आएगी 1132। और जो अभी सेकंड लिस्ट आई है ना, ये उसी बात से कनेक्ट होने वाले हैं कि जो आसाम की सेकंड लिस्ट आई है, और वो आसाम की सेकंड लिस्ट आई है ना तो आपके राज्य की समझ लो सेकंड लिस्ट आ गई। मैं आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझा रहा हूं तो कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक समझे। इसी के साथ में आप लोग नीचे चलते हो ना तो यहां पे आप लोग देख पाना 26 नंबर पे देखो, 26 नंबर पे देखो राजस्थान, और राजस्थान की टोटल वैकेंसी कितनी है, 2390 राजस्थान की टोटल वैकेंसी है। इसी के साथ में आप लोग नीचे जाते हो ना तो आप लोग क्या देख पा रहे होगे, यहाँ पे आप लोग ये देख पा रहे होगे, यहाँ पे आप लोग देखो दिल्ली की टोटल वैकेंसी कितनी है, तो दिल्ली की टोटल वैकेंसी आप लोगों को 60 दिखाई देगी। तो दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे कम वैकेंसी है, तो ये देखना यहाँ पे जो भी अब सेकंड लिस्ट आएगी ना वो बहुत ही कम कैंडिडेट की आएगी क्योंकि बाकी सब सेलेक्ट हो गए होंगे। इसी तरह से मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग तमिलनाडु की देखोगे तो सबसे सर्वाधिक वैकेंसी GDS की यहीं पर है, तो यहीं पर अब ज़्यादा स्टूडेंट आए जो जिनके परसेंटेज कम भी है ना वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। आइए समझते हैं कि मैंने क्या बोला आपको और ये क्यों बोला, ये सारी की सारी बातें समझते हैं। आसाम की जो फर्स्ट लिस्ट है ना उसको डाउनलोड करते हैं और सेकंड लिस्ट से उसको कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम लोग अब ऑफिशियल साइट पर चले जाते हैं, ऑफिशियल साइट पर जाने के बाद में आप लोगों यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम लोग शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को आसाम पर क्लिक करना है। आसाम पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को लिस्ट ऑफ है ना जो शॉर्ट लिस्ट है ना जो कैंडिडेट है इसको डार्क हो गया ना, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ये क्लिक करोगे ना, आप जो आप लोग देख पा रहे होगे ना ये है आसाम सर्कल की PDF, और जो कि आसाम सर्कल की PDF है। मैंने ये क्यों खोली है, ये फर्स्ट लिस्ट क्यों खोली है, आप लोगों को तमाशा दिखाने के लिए नहीं खोली मैंने, मुझे कुछ समझाना है इसलिए मैंने ये फर्स्ट लिस्ट खोली है। तो फर्स्ट लिस्ट खोलते ही आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखेगा, आप लोगों को जो आसाम के अंदर देख पा रहे होगे यहाँ पे एक ऐसा कैंडिडेट है जिसकी 100% है, बाकी देखो कितना भी स्क्रॉल कर लो आप लोग, मैं लगातार स्क्रॉल करता रहूंगा, एक ऐसा भी कैंडिडेट दिखा दो जिसकी परसेंटेज 100 है या 99 है। देखो 100 भी नहीं है, 99 भी नहीं है, देखो 99 नहीं है, किसी की भी 99 नहीं है। आप क्या सोच रहे हो, खेना क्या चाहता है भाई, तो 99 नहीं है खेना, देखो 99 किसी की भी नहीं है, 100 भी किसी की भी नहीं है, और बाकी और राज्यों के अंदर 99 100% सभी राज्यों की है। तो ऐसा क्यों हुआ है, और यही तो रीजन
ना आप लोगों की जो आसाम की जो सेकंड लिस्ट आई ना उसमें 54 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। क्यों भाई 54 कैंडिडेट को क्यों सिलेक्ट किया गया है? क्योंकि जो आसाम का रिजल्ट आया था ना वो 100 और 99% के बेस पे बहुत ही कम दिख रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पे अब मैं दिखाने वाला हूँ कि ऐसा कोई भी दिख लो। देखो आराम से देखो, इसको पूरी पीडीएफ फाइल को देखने के बाद में आपको 1 से 2 कैंडिडेट ही ऐसे दिखाई देंगे जिनकी परसेंटेज यहाँ पे 100 या 200 फिर आप लोगों के 99 है। अब मैं टोटल आप लोगों को यहाँ पे लिस्ट दिखाता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ वैकेंसी दिखाई। जैसे आप लोगों को नंबर ऑफ वैकेंसी दिखाई तो यहाँ पे आप जो जोड़ोगे ना वो नंबर ऑफ वैकेंसी आज आप लोग लैंग्वेज के आधार पर, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे 1138 बच्चों को यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट के अंदर सेलेक्ट किया गया था। उनमें से ये 1132 जब लड़के है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए तो उनमें से 54 कैंडिडेट को वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। और जब 54 कैंडिडेट को वहाँ पे रिजेक्ट किया गया है ना उनको सेकंड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। जैसे कि मैं उन लोगों को अब सेकंड लिस्ट आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, जो सेकंड लिस्ट दिखा रहा हूँ ना ये सप्लीमेंट्री लिस्ट के नाम से जानी जाती है। जैसे मैं आसाम की सेकंड लिस्ट डाउनलोड करता हूँ ना आप लोगों के सामने, तो सेकंड लिस्ट के अंदर कुल टोटल कैंडिडेट आप लोगों को 54 कैंडिडेट दिखाई देंगे। जैसे कि लिस्ट सेकंड देख पा रहे होगे, टोटल कैंडिडेट दिखाता हूँ। टोटल कैंडिडेट आप लोग यहाँ पे देखो 54 कैंडिडेट, 1132 वैकेंसी पर 54 कैंडिडेट बाहर आए। ऐसा क्यों, ज्यादा क्यों नहीं आए? ज्यादा इसलिए नहीं आए दोस्तों, वहाँ पे 100% और 99% मतलब गिने चुने ही लोग थे, एक दो ही लोग थे, जिसकी वजह से यहाँ पे है ना जो सेकंड लिस्ट के अंदर कम बच्चों को यहाँ पे जो भी हुआ है ना, जो बच्चे रिजेक्टेड हुए हैं जो भी हो जाए ना वो कम बच्चे यहाँ पर आए, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे 54 आए ना। तो आप कहना क्या चाहते हैं भाई आप लोगों से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से जो अपने राज्यों के अंदर जो आप लोगों को मैंने वैकेंसी दिखाई है, जैसे मैं अभी इसी बात को प्रूफ करने के लिए आप लोगों को मैं चल जाता हूँ आप लोगों को एक राज्य की, मैं जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे राजस्थान की है ना, मैं क्या करता हूँ फर्स्ट लिस्ट डाउनलोड करता हूँ। अब राजस्थान की जब ये मान लो राजस्थान की सेकंड लिस्ट आने वाली है 3 से 4 दिन के अंदर, ये तो तय है कि 3 से 4 दिन के अंदर वो आ जाएगी सेकंड लिस्ट। अब जैसे ही आप लोग सेकंड लिस्ट आ जाएगी ना राजस्थान के अंदर, तो आप लोग सोच रहे हो क्या यहाँ पे भी 54-55 बच्चों को निकाला जाएगा? नहीं दोस्तों, यहाँ पे 54 बच्चों को नहीं निकाला जाएगा, कम से कम यहाँ पे आप लोगों को बच्चे निकलेंगे ना पूरी राजस्थान के सर्कल के अंदर। ये फर्स्ट जो फर्स्ट लिस्ट है ना इसके अंदर आप लोग क्या देखोगे, इसके अंदर देखोगे बच्चों, देखो आप 100, 99, 100, 99 देखो 100। इस पीडीएफ के अंदर राजस्थान की पीडीएफ के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि लगभग 200 से ऊपर तो दोस्तों है ना 100 और 90% वाले हैं। तो टोटल वैकेंसी है ना राजस्थान में कितनी है, टोटल वैकेंसी राजस्थान में आप लोगों को टोटल वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो टोटल वैकेंसी कितनी है राजस्थान में, हालांकि टोटल वैकेंसी राजस्थान में मैंने वहाँ पे है ना 2390 दिखाई थी और यहाँ पे है 2381 के समथिंग यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, यानी कि 2381 के अंदर फर्स्ट कैंडिडेट को फर्स्ट लिस्ट के अंदर इनको बच्चों को सेलेक्ट किया गया। अब जो सेकंड लिस्ट आएगी ना सभी राज्यों के अंदर, तो आप देखना जिस राज्य के अंदर 99% और 100% वाले बच्चे हैं ना वो जितने ज्यादा होंगे ना तो वहाँ पे सेकंड लिस्ट के अंदर उतनी ही ज्यादा आप लोगों की वहाँ पे सेकंड लिस्ट के अंदर बच्चों को स्टूडेंट को वहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। और जब सेलेक्ट किया जाएगा जब ज्यादा बच्चों को, तो जिसकी भी परसेंटेज कम है, कम परसेंटेज का मतलब है यदि उसकी परसेंटेज 70 भी यदि आप लोग देखो तो 70 आप लोगों के अंदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर है, तो आप लोगों के उसके लिए तो और भी बेहतर है, उसका सिलेक्शन पक्का है। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे मैं कुछ दिखाई देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे कि जो आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है, जो सेकंड लिस्ट के अंदर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है सेकंड लिस्ट के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे कई राज्य की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके देख सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाई देगा। जैसे तमिलनाडु की डाउनलोड करना, तमिलनाडु की डाउनलोड करके तो वहाँ पे तो 4310 वैकेंसी है, तो वहाँ पे ज्यादा कैंडिडेट को वहाँ पे बुलाया जाएगा सेकंड लिस्ट के लिए। इसी तरह से आप लोगों को मैं फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाता हूँ, एक दिल्ली की डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे आप लोग दिल्ली की डाउनलोड करके देखना दिल्ली के अंदर कितनी सी वैकेंसी है, देखो ये दिल्ली रहा, इस दिल्ली को मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस दिल्ली के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ की सेकंड ये फर्स्ट लिस्ट आ जाती है दिल्ली की। जैसे फर्स्ट लिस्ट आ जाती है तो आप लोग यहाँ पे देख पाना, देखो टोटल वैकेंसी दिल्ली के अंदर भाई 60 ही है। जब टोटल वैकेंसी दिल्ली के अंदर 60 है तो आप लोग सोचो जब दिल्ली की सेकंड लिस्ट आएगी तो कितने बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हुएंगे, यहाँ पे 10 से 5 की आ जाएगी सेकंड लिस्ट। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे के यहाँ पे कम परसेंटेज है और वो उस राज्य को देखे, मतलब जिस राज्य से उसने फॉर्म लगाया ना वहाँ पे कितनी वैकेंसी है, अगर वैकेंसी ज्यादा है और 100 99 वाले परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है तो समझ जाओ आप लोगों का सेकंड लिस्ट में नाम आना तय है और आप लोगों का आ सकता है। अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत है ना सेकंड लिस्ट के अंदर जनरल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, ओबीसी कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर सेकंड लिस्ट के अंदर आप लोग ऐसे राज्यों से बिलोंग करते हो जहां पे आप लोगों की नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और यहां पे आप लोगों की तमिलनाडु, तो समझ जाओ आप लोगों के सेकंड लिस्ट में नाम आएगा। यदि आप लोगों की जनरल कैटेगरी के अंदर आप लोगों की परसेंटेज 90 है, 80 है, 85, तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से ओबीसी के अंदर यहाँ पे 78 का भी सिलेक्शन होगा, 79 का भी होगा, 80 का भी होगा, 85 का भी होगा। इसी तरह से एससी एसटी के अंदर भी आप लोगों को कट ऑफ ज्यादा नहीं देगी, एससी एसटी के अंदर आप लोगों को यहाँ पे 75 वालों का भी सिलेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यदि उसने ऐसी जगह से फॉर्म लगा दिए जहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही
बहुत ही ज्यादा है, तो हाईली उस बंदे का वहाँ पे, उस स्टूडेंट का वहाँ पे सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। इसी तरह से आप लोग EWS PWD की कट ऑफ तो आप देख पा रहे होगे, असम के अंदर काफी कम जाती है। EWS कैटेगरी की जो जनरल कैटेगरी है ना, उससे थोड़ा सा नीचे जाएगी, पर यह है कि एक अच्छे लेवल के अंदर ही जाएगी। इस तरह से आप लोग यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को प्रक्रिया समझाई ना, ये प्रक्रिया ये बताना चाह रही है कि आप लोग जिस राज्य के अंदर रहते हो वहाँ पे आप लोग अपनी वैकेंसी देखने के बाद में आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि सेकंड लिस्ट के अंदर कितने कैंडिडेट को यहाँ पे लाया जाएगा। यानी जो बच्चे वहाँ पे, जाहिर सी बात है, जहाँ पे 100% और 99% है, वो बच्चे तो वहाँ पे रिजेक्टेड होंगे। तो ज्यादा बच्चे रिजेक्टेड होंगे तो आप लोगों के सेकंड लिस्ट के अंदर भी ज्यादा स्टूडेंटों को टाइम दिया जाएगा, यानी कि बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। वो बात क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अक्सर दोस्तों क्या हो रहा है, आप लोग ना सेकंड लिस्ट का वेट करें, जैसे ही दोस्तों सेकंड लिस्ट आएगी ना, तो आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आसाम के अंदर देख सकते हो आप लोग 23 जुलाई तक का टाइम दिया गया है, इसलिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके लगो। कम से कम जो भी जो ऐसे डॉक्यूमेंट है जो 15-20 दिन के अंदर बनेंगे, तो उनको जल्दी से जल्दी बनवा लो, ताकि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेकंड लिस्ट में नाम आए, तो आप लोगों के सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करके रखो और आप फटाफट GDS की भर्ती की जॉब ले लो। और यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर जिसका भी सेकंड लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है, वो कमेंट बॉक्स के अंदर ये देना भाई मेरा हो गया, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई बोलूंगा, थैंक्स। तो ये थी मैंने आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन समझाई, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक्स, कीप माई वॉचिंग YouTube वीडियोज़।